मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को कुछ जगह विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना सिंह के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लोग उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। छतरपुर में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। छतरपुर से बीजेपी ने 2 बार की नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह को प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका की कमियां और पीने के पानी और साफ सफाई में फेल होने पर उन्हें और उनके परिजनों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पति और बीजेपी जिलाध्यक्ष को चुनाव प्रचार के समय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब वह नारायणपुरा और घुसियाने मोहल्ले में पहुंचे तो वहां के रहवासियों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। लोगों की नाराजगी बढ़ते देख वह सफाई देते रहे और विकास के पीछे नहीं हटने की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम इन 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में और 4.5 वर्षों में केंद्र में किए हैं, इतने आज तक कांग्रेस ने अपने पूरे जीवन काल में काम नहीं किए। और छतरपुर की जहाँ तक बात है, चाहे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हों, हमारे विधायक हों, हमारे सांसद हों, उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। हाँ कोई क्षेत्र अगर वंचित रह गया होगा, चुनाव आचार संहिता के कारण अभी काम शुरू नहीं हो पाए होंगे, तो वो उसके बाद में होंगे। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे विकास के कारण भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लोग हैं, ऐसा कहीं देखने के। कांग्रेस को आरोप लगाती है क्योंकि उन्होंने कुछ किया है नहीं, उनके सिर्फ आरोप लगाने हैं। अर्चना सिंह का प्रचार कर रही महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पार्षद द्रौपदी कुशवाहा को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पीने के पानी की समस्या हल न करने पर महिला नेत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के प्रत्याशी के बढ़ते विरोध से कांग्रेस खुश दिखाई दे रही है। उसका कहना है कि 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप
के समाचार चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बुधनी में भी सीएम की पत्नी को भी उधर से लोगों ने ये बताया कि आपने हमारे यहाँ काम किए कहाँ किया है, दिखाएं काम करने के। यही स्थितियाँ छतरपुर में कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिलाध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी इधर से चुनाव लड़ रही हैं और उनको वार्ड नंबर इधर पे घुसियाने मोहल्ले में लोगों ने सरेआम ये इज्जत किया और बताया कि आप बताएं कि कहाँ पर आपने कार्य किया है। यही स्थिति यहाँ पर द्रौपदी के सुहा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मत मांगने गई थी, उन्होंने भी उधर की जनता ने बोला जब इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है तो ये दिखा नहीं सकते कि हमने कहाँ कार्य किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं हल नहीं की जिसका परिणाम उन्हें चुनाव में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।